भाई हमारे यहाँ शादी की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है, आपके यहाँ क्या हाल है? और इस बीच में आपको मेकअप, फैशन, ब्यूटी इन सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आइडियाज चाहिए होंगे, तो मैं कब काम आऊंगी? आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन प्रेस करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। और बिना किसी देरी के हम आज के आइडियाज देखते हैं क्योंकि ये आइडियाज बहुत कमाने वाले हैं। आई चाचा जी, ये क्या पहन लिया? इट्स बैकलेस। ओह, ज्यादा फू बनने की जरूरत नहीं है, तेरे हैशटैग बैकलेस ब्लाउज के पीछे ब्रा की स्ट्रेप्स लाइन दिख रही है, वो भी लाल कलर की। ओह माय गॉड, और नहीं तो और बनने फू, अब क्या करूं? अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आप लोग ऐसी सिचुएशन में ना आओ इसलिए इवेंट से एक दिन पहले ब्रा मत पहना करो। ये क्या बात हुई, अब क्या लड़कियां ब्रा भी ना पहने? अरे ब्रा पहनने को किसने मना किया है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप इवेंट से एक दिन पहले ऐसे स्ट्रेप्स वाली टाइट ब्रा को अवॉइड करके ऐसी ट्यूब वाली सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल ब्रा पहना करो, इससे आपकी बैक पर कोई निशान भी नहीं होगा और आप किसी पू से कम भी नहीं लगोगे। यार अनिष्का, तेरे पास इतने सारे इयररिंग्स हैं, मेरे को ड्रेस से मैचिंग के इयररिंग्स दे देना यार। मैं क्यों दूं? क्यों यार, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ? तूने भी तो मेरे साथ इतने सारे इयररिंग्स लिए थे, अपने वाले पहन, हमेशा मांगती रहती है। यार वो सारे खराब हो गए ना, किसी में मम्मी का सिंदूर लग गया, किसी में मेरा काजल लग गया, वो सारे खराब हो गए। तो तू अपनी ज्वेलरी को संभाल के रखा कर ना। यार इतने अच्छे से तो संभाल के रखा था ड्रॉर के कोने में, तब भी पता नहीं कैसे खराब हो गए। तेरी जैसी ज्वेलरी संभालना नहीं, इस तरीके से ज्वेलरी संभालना। अब ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है जितनी खूबसूरत दिखती है उतने ही प्यार से इन्हें रखना भी होता है, नहीं तो ये इसकी तरह ना टूटती फूटती रहेगी। तो इस तरीके के ज्वेलरी स्टोरेज बॉक्स मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे, आपको बस क्या करना है, बबल रैप की एक लेयरिंग रखनी है और अपने सारे इयररिंग्स को इस तरीके से संभाल कर रखना है, इससे आपकी ज्वेलरी लॉन्ग टर्म तक चलेगी। चलो दी, मैं रेडी हो गई। तूने मेरी नाक कटवानी है क्या? इतनी तो अच्छी लग रही हूँ। तूने कोई आई मेकअप क्यों नहीं करा है? दी कुछ अच्छा लग रहा है नाकों पे तभी तो कुछ लगाऊंगी ना। दी छोड़ो आप इन सबको, वैसे भी लेट हो रहा है, चलो आप। ऐसे कैसे चलो, चल मैं तेरा एक मिनट में आई मेकअप करती हूँ। आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले हम आंखों को कंसील करेंगे, यानी कि कंसीलर लगाएंगे। अगर आपने बेस मेकअप पहले से कर लिया है तो आप अपने अंडर आई के नीचे लूज पाउडर की लेयर कुछ इस तरीके से अप्लाई करें ताकि आई शेडो का जितना भी फॉल आउट है उससे आपका फाउंडेशन खराब ना हो। तो सबसे पहले हम अपनी क्रीज पर इस वाले आई शेडो को अप्लाई करेंगे जब तक हमें आई शेडो का एक प्रॉपर विंग ना मिल जाए। अब क्योंकि आउटफिट का कलर ब्लू है तो इसलिए हम शिमर आई शेडो व्हाइट कलर का पिक करेंगे और उसे अपनी पूरी लिड पर फिंगर की हेल्प से अच्छे से अप्लाई करेंगे। फ्लैट ब्रश की हेल्प से हम ब्लू शिमर आई शेडो को अपने इनर कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि आउटफिट बहुत ज्यादा हैवी है तो इसलिए हम ज्यादा आई मेकअप ना करते हुए डायरेक्ट विंग आई लाइनर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अब आप लूज पाउडर को रिमूव कर दीजिए। इसके बाद हम वाटर लाइन पर टर्कोइश काजल को अप्लाई कर रहे हैं, इससे हमारी आंखें बड़ी भी लगेंगी और हमारा आई मेकअप भी सुंदर लगेगा। और बस लास्ट में आपको मस्कारा की अच्छी सी कोटिंग अपनी आंखों पर अप्लाई करनी है और एक मिनट में आपका आई मेकअप कंप्लीट। वो उसका चंडीगढ़ वाला कजन है ना? हाँ शायद, मैंने सुना है वो सिंगल है। सच में? पहुंच गए तुम दोनों? हाय। हाँ गए, जल्दी चलो मेरी मेहंदी स्टार्ट होने वाली है। यार हम लोग सोच रहे थे कि तू ना मेहंदी से पहले हमारे गिफ्ट्स देख लेती। अरे गिफ्ट तो शादी के दिन देते हैं ना। यार पर तू कल बहुत बिजी होगी ना। अच्छा चलो दिखाओ गिफ्ट्स। पहले मेरा गिफ्ट। नॉटी हुडा ब्यूटी। ओहो मुझे पता था तेरे यहाँ से यही गिफ्ट आना है, तू ब्यूटी क्वीन और तेरा ही गिफ्ट भी ब्यूटी से रिलेटेड। वैसे थैंक यू सो मच। अब तू बता तू क्या लाई? ना बड़ा गिफ्ट। फाइनली वाओ, ये तो बहुत ही प्यारा बैंगल बॉक्स है, शादी के बाद ये मेरे चूड़ा और चूड़िया रखने के बहुत काम आने वाला है। क्यों, मेरी ये महंगी वाली आई शेडो पैलेट काम नहीं आएगी?
तेरा गिफ्ट भी बहुत अच्छा है, पर तुझे तो पता है ना मैं आई मेकअप में थोड़ी कच्ची हूँ, वो आई शेडो पैलेट ऐसे ही रह जानी है, लेकिन ये बैंगल बॉक्स ना आगे तक काम आने वाला है। थैंक यू शिवानी। और आप लोग भी अपने दोस्तों को उनकी शादी पर ऐसा तोहफा दें जो उनके सही मायनों पर काम आए। आए मामी जी, अरे यार जल्दी चलो, तुम लोग भी मेहंदी लगा लो मेरे साथ, चलिए आओ। दी मेरा ना ब्लश खत्म हो गया, तो लिपस्टिक को ऐसा ब्लश लगा ले। दी मेरा मस्कारा भी खत्म हो गया, तो मस्कारा बॉन्ड को आईलाइनर में डिप करके ऐसा मस्कारा लगा ले। ठीक है, अभी खाऊं या कल खाऊं? दी मुझे शादी में जाना है और टेलर ने अभी तक मुझे ब्लाउज ही नहीं दिया, मैं क्या पहनूं? अरे तू मेरे क्रॉप टॉप को एज अ ब्लाउज पहन ले यार। थिनर लेकर आ जा अपना, ये लो दी थिनर तो ले, अब क्या करोगे इसका? अरे हमारी नेल पेंट्स जब ड्राई हो जाती है तो उसमें बस 5 से 6 ड्रॉप्स हमें थिनर की ऐड करनी होती है, और उसके बाद इसका कैप बंद करके इसको अच्छे से शेक करना है, और इसके बाद आपकी नेल पेंट पहले जैसी हो जाएगी। इससे आपको अपना फेवरेट शेड फिर से खरीदने मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, और आप अपने फेवरेट शेड को और भी लंबे समय तक यूज कर सकते हो। देख लग रही है तेरी नेल पेंट एकदम पहले जैसी। हाँ दी सही बोला आपने। डीजे में डांस कर करके ना मैंने अपनी सैंडल तोड़ दी, अब स्लीपर में घूमना पड़ रहा है। खैर आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, अगर आप लाइक करना भूल गए शेयर भी कर देना, और फिर भी काम आने चाहिए ना, शेयरिंग इज केयरिंग नाम की चीज होती है, उसको यूज करो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं इंस्टाग्राम पे जब तक अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ, आप वीडियो देख लिए तो बस मैं जाती हूँ अपलोड करती हूँ। बाय बाय।